ये कहानी एक बहुत ही प्यारे और सुंदर से जंगल की है। उस जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया ने एक सुंदर सा अंडा दिया था। सोनू चिड़े, कुछ ही दिनों में इस अंडे में से हमारा बच्चा निकल आएगा। अब आपको कहीं ना कहीं काम ढूंढना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। हाँ हाँ मीनू, मैं कल ही दूसरे जंगल काम की तलाश में चला जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा। अगली सुबह सोनू चिड़ा काम की तलाश में दूसरे जंगल जाने की तैयारी करने लगता है। मीनू, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ और जब तक कुछ पैसे इकट्ठे ना कर लूँ मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम अपना और अपने अंडे का ख्याल रखना। सुनो सोनू चिड़े, मैंने ये कुछ दाने पोटली में बांध दिए हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। आपको रास्ते में भूख लगेगी तो इन्हें खा लेना। अच्छा सोनू चिड़े, अब आप जाएं। अपना सफर ध्यान से तय करना। उसके बाद सोनू चिड़ा वहां से चला जाता है। सोनू चिड़ा उठता उठता काफी आगे निकल आया था। जंगल काफी घना था पर वो उठता जा रहा था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई तो मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई कुछ खाने को दे दो। ये किसकी आवाज है? शायद ये आवाज इधर से आ रही है। देखता हूँ कौन है। सोनू चिड़ा थोड़े आगे जाता है और देखता है कि एक बूढ़ी कौवी भूख के मारे आवाजें लगा रही थी। अरे काकी, कौन हो आप और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बेटा, मेरा नाम सुंदरी है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझे खाना ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। कई कई दिनों तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं। मैं दूसरे जंगल काम की तलाश में जा रहा हूँ और मेरी पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए कुछ दाने दिए थे। ये लो, आप इन्हें खा लो। इन्हें खाकर आपकी भूख मिट जाएगी। सोनू चिड़ा वो दाने की पोटली सुंदरी कौवी को दे देता है। सोनू चिड़ा देखता है कि वो बूढ़ी कौवी एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। सोनू चिड़े, मैं एक परी हूँ। मैं बस पक्षियों की परीक्षा ले रही थी। इस रास्ते से बहुत से पक्षी गुजरे पर किसी पक्षी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। तुम बहुत ही नेक पक्षी हो और साफ दिल के हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, तुम ये जादुई ताज रख लो। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर सोनू चिड़ा अपने घर चला आता है और देखता है कि उसका छोटा सा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया था। मीनू, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। हाँ हाँ चिड़े, पर अब मुझे बस यही चिंता सता रही है कि इसका पालन कैसे करेंगे। मीनू, तुम अब इसकी फिकर मत करो। ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या मिला है? ये एक जादुई ताज है और ये मुझे एक परी ने दिया था। मैं इससे जो भी चाहूँ मांग सकता हूँ। अब हमें अपने बच्चे के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। अब हम चाहें तो दूसरे पक्षियों की भी मदद कर सकते हैं।
अब मीनू और सोनू चिड़ा बड़े आराम से अपना जीवन गुजारने लगे थे। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई ताज से मांग लेते।